एम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के एग्जाम्पल। तो देखते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आज हमको जेकोबियन फंक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखते हैं जेकोबियन फंक्शन का एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द जेकोबियन फंक्शन फॉर द डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। फॉर द फंक्शन यू का हमको फंक्शन दिया हुआ है ई रेस टू एक्स साइन वाई, एंड वी का हमको फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस लॉग इंटू साइन वाई। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है जेकोबियन फंक्शन होता क्या है। अभी यहाँ पे हमको दिया हुआ है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, यानी फंक्शन रिलेटेड किससे है, डिफरेंशिएशन से। यू का फंक्शन है, वी का फंक्शन है, अपॉन में है एक्स एंड वाई, यानी कि यू का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स और डी यू बाय टी वाई। सिमिलरली फॉर द वी वन, यानी डी वी बाय डी एक्स एंड डी वी बाय डी वाई। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यू डी यू बाई डी एक्स को यू एक्स एंड डी यू बाई डी वाई को यू वाई। सिमिलरली फॉर वी एक्स एंड वी वाई। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जेकोबियन फंक्शन। तो हमको सिर्फ यही करना है कि u का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, u का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन, v का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन फाइंड करके उसको इस वाले इक्वेशन में पुट करना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। चलिए यू एक्स, यू का फंक्शन क्या है ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, तो वो रहेगा सिर्फ ई रेस टू एक्स। इंटू में है तो साइन वाई, तो साइन वाई ही रहेगा। सिमिलरली फॉर यू वाई, यू वाई फाइंड करते हैं हम। यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट हो गया उसमें तो एक्स वाला फंक्शन। साइन वाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस वाई, सिंपल। सिमिलरली फॉर वी एक्स, वी एक्स वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो, एक्स का होता है वन, यानी वी एक्स हमारा हो गया वन। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वी वी वाई। तो देखते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब ये हो जाएगा जीरो। लॉग का क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स की जगह पे क्या है हमारा साइन वाई, तो वन अपॉन साइन वाई। एंड साइन वाई का क्या होगा इंटू कॉस वाई, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया कॉस वाई इंटू साइन वाई। चारों की चारों वैल्यू मिल गई हमको तो जैकोबियन फंक्शन में हम पुट कर देते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या आता है। तो जे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। चलिए यू एक्स की वैल्यू क्या मिली थी हमको, ई रेस टू एक्स साइन वाई, ई रेस टू एक्स साइन वाई। यू वाई की वैल्यू ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई। वी एक्स हमारा था वन एंड वी वाई था हमारा कॉस वाई अपॉन साइन वाई।
सिंप्लीफाई कर देते हैं। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। चलिए, ई रेस टू एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई, 1 इंटू माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स कॉस वाई। साइन वाई, साइन वाई कैंसल आउट, बचा क्या, ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स कॉस वाई, दोनों हो गया कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास, आंसर 0। यानी जैकोबियन फंक्शन इसके लिए आंसर क्या हो गया हमारा, 0।